वसूली की कवरेज करने गए पत्रकार पर जानलेवा हमला। ताजा मामला लखीमपुर खीरी एलआरपी चौकी के ठीक सामने का है, जहां पर वाहनों से वसूली की जा रही थी। इसकी खबर जब मीडिया को लगी तो कुछ पत्रकार कवरेज करने पहुंचे। जैसे ही दबंगों की नज़र पत्रकारों पर पड़ी, उन्होंने पत्रकारों को दौड़ा लिया और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसमें पत्रकारों को काफ़ी चोट आई है। कैसे भी करके पत्रकारों ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई, तब भी दबंगों की आग नहीं बुझी तो पड़ोस में खड़ी पत्रकार की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। जी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर डी के मिश्रा ने सदर कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। क्या हुआ था? हम और हमारे पापा हम अपने कार्यालय से गाड़ी से जा रहे थे, और जब हम मिलन गेस्ट हाउस के पास पहुँचे, भोपाल गेस्ट हाउस के पास जब हम पहुँचे मारुति सुजुकी से पहले, तो वहाँ पर ट्रक रोक के वसूली हो रही थी और रोड बिल्कुल जाम थी। जब हम लोग साइड में हो गए, गाड़ी हमारी रुक गई, तो हमारी गाड़ी पे प्रश्न लिखा था, और प्रश्न लिखा देख कर वो लोग हम पर टूट पड़े, हमारी आईडी छीन ली और तोड़ डाली आईडी, और कहा आप लोग प्रश्न से हैं, ख़त्म कर देंगे, मीडिया को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे, ये सब बोला। और शराब बहुत पिए थे, सब लोग नशे में ध्वस्त थे, हम लोग किसी तरीके से अपना जान बचा के भागे। उसके पूरी घटना हुई है, उसमें बहुत चिंता की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में पूरा सब कांड हुआ है, और हम लोग अपने साथी को बचाने के लिए गए थे वहाँ पे, और उनको जो इस तरीके से काम कर रहे हैं अवैध वसूली का, उन लोगों की नज़र जैसे ही हम पे पड़ी उन्होंने दौड़ा लिया, और न सिर्फ हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं और हम लोगों से मारपीट की है, काफ़ी चोटें भी आई हैं हमारे और अन्य भाइयों को। कुल मिला के ये जो पूरा मामला है, ये भाजपा के लोगों जो वसूली करते हैं, ये इन्हीं का फिलहाल नाम आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस इन पर कार्रवाई करे।